अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सऊदी अरब से मुतल्लिक 10 जानकारियां आप सबके सामने रखूंगा जो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यानी जो खारजी हैं सऊदी अरब में, जो एक्सपैट्रिएट हैं, जो फॉरनर हैं सऊदी अरब में, उन सब के लिए बहुत ही ये खास इन्फॉर्मेशन है। जो आप लोग इसे ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरी पूरे ही देखें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। ये मैं एक एक करके बताऊंगा जो 10 न्यू अपडेट है सऊदी अरब में, जो सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है हम खारजियों के लिए। तो आइए दोस्तों, हम एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं और ये अच्छी खबर ये है कि अब हम ट्रेवल कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। यानी कि अपने अपने मुल्क जाने के लिए अब हमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गया है। लेकिन इसके लिए हमें करना ये है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एग्जिट या छुट्टी जाने के लिए। अगर आप अपने घर एग्जिट या छुट्टी जाना चाहते हैं, अपने देश अपने मुल्क, तो आपको अपने एमओआई का जो वेबसाइट है, अगर आपके पास आपका ऑफशोर अकाउंट बना हुआ है, उस पे लॉग इन करके आप ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना ट्रेवल रजिस्ट्रेशन करवा करके आप, अगर आपको अप्रूवल कर दिया जाता है एमओआई की तरफ से, तो आपका फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, यानी कि अपना मुल्क या अपने देश जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हम सब के लिए जो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, रिटर्न होना चाहते हैं और एग्जिट या छुट्टी जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट ये है कि आप सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इसका स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अबसेर अकाउंट नहीं है तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे क्लिक करके और अपना स्टेटस ड्राइविंग लाइसेंस का चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक यूट्यूब में के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहां से जा करके इसका लिंक पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इकामा नंबर डालना होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, और उसके बाद उसमें एक इमेज आता है, उस इमेज को डाल देना है। उसके बाद आप क्लिक करें, व्यू करें, आपका स्टेटस इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इकामा नंबर डाला है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है, फिर यहाँ पे ये देखेंगे इमेज जो शो कर रहा है, ऐसे इमेज शो करेगा, वो इमेज आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो स्टेटस है इकामा का आ जाएगा। अगर उस पर फाइन है या कोई भी तरीका से कोई वायलेशन पेनाल्टी है, आपको मालूम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अब कहीं भी अब शेयर अकाउंट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपने मोबाइल से देख सकते हैं। ये इसका लिंक है, ये लिंक मैं शेयर कर देता हूं। दोस्तों, अब तीसरे जानकारी की तरफ चलते हैं। जो तीसरे जानकारी है यानी कि न्यू अपडेट जो सऊदी की तरफ से आया हुआ है, ये इकामा से मुतल्लिक है। यानी कि आप अपना इकामा का एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी विदाउट अपशेयर अकाउंट पे गए हुए डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत दिनों पहले डायरेक्ट चेक किया जा सकता था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने इस लिंक को बंद कर दिया था। यानी कि बिना अपशेयर अकाउंट का यह स्टेटस हम सब चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस कोरोना बीमारी की वजह से ये न्यू पोर्टल, न्यू लिंक गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दिया गया है कि आप अपना इकामा स्टेटस, इकामा एक्सपायरी डेट एंड वैलिडिटी बिना आबशार अकाउंट पे गए हुए डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक को मैं अपने यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसमें आपको इकामा नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे इमेज कुछ नंबर शो करता है, उसको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपका इकामा एक्सपायरी डेट मालूम चल जाएगा। तो ये था दोस्तों तीसरी जानकारी।
जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास अबसार अकाउंट नहीं है, जिसके वजह से वो दूसरों के पास जाते हैं और वो अपना इकामा स्टेटस नहीं देख सकते हैं, जो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है हम सबके लिए। तो दोस्तों, जो चौथी न्यू अपडेट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि अगर आप रिटर्न अपना घर जाना चाहते हैं, यानी कि छुट्टी या एग्जिट जाना चाहते हैं, तो आप अपना बॉर्डर नंबर की मालूमात से भी आप अपना ट्रेवल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बॉर्डर नंबर क्या है और कैसे मालूम करेंगे बॉर्डर नंबर? बॉर्डर नंबर आपका डिटेल्स ये आपका अपशेयर अकाउंट में मिल जाएगा। ये है बॉर्डर नंबर, जो रेड ये आप देख रहे हैं, रेड मार्का में जो दर्शाया गया है, ये बॉर्डर नंबर है। और अगर आपके पास अपना इकामा नंबर मालूम नहीं है या इकामा नहीं है, बहुत सारे बंदों के पास इकामा नहीं है, तो बॉर्डर नंबर के थ्रू अपना ट्रेवल रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस तरीके से वो अपना घर रिटर्न हो सकता है, यानी अपना घर जा सकता है। तो ये इसका तरीका बहुत ही सिंपल है बॉर्डर नंबर के मालूमात करने के लिए। आपको सबसे पहले आपको अपना अबसार अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अबसार अकाउंट है तो आप उसमें अपना यहाँ पे डिटेल्स डालें और लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ क्यूरी में जाएं, आप देखिए यहाँ क्यूरी में जाएं। क्यूरी में जाने के बाद आप यहाँ पे चूज करें, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जीसीसी सिटीजनशिप या फिर आप नॉन जीसीसी सिटीजन हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग नॉन जीसीसी सिटीजन हैं। तो उसके बाद आपको अपना डिटेल्स इसमें डालना है। ऑप्शन चूज करने के बाद डिटेल्स डालें और व्यू करें, आपको अपना इस तरीका से बॉर्डर नंबर मालूमात हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी जानकारी की तरफ। जो पांचवी न्यू अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है वो ये है कि सऊदी अरबिया टू कट प्राइवेट सेक्टर सैलरी बाय 40%। यानी कि सऊदी अरबिया में ये ऐलान किया गया है कि 40% तक सैलरी काटा जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को। लेकिन इसका कुछ शर्तें हैं, ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही सैलरी कट कर दिया जाएगा 40%। जो कंपनी अगर आपका सैलरी कट कर रहा है, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि रियली में उसका कंपनी इस कोरोना महामारी की वजह से लॉस में जा रहा है। तो वो या तो सैलरी कट कर सकता है, वो टर्मिनेट भी कर सकता है, वो वेकेशन यानी छुट्टी भी भेज सकता है आपको अपना होम कंट्री में। तो ये है न्यू अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट में काम करने वाले एम्प्लॉई के लिए सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों, अब आप लोग से इजाजत लेता हूं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर सभी इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट करेंगे। तो मैं जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है वो अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह।